हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप सभी लोग। भाइयों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो हमारे पास एक टाटा की टियागो है भाई, इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टाटा सबसे ज़्यादा बोलता है कि उनका हरमन कार्डिक का म्यूजिक सिस्टम आता है। तो भैया, उसी के बारे में हम आपको डिटेल नॉलेज देने वाले हैं कि उसके बारे में मतलब जैसे क्या कैसा क्या स्पीकर सिस्टम है उसका, उसकी जो हाई परफॉर्मेंस कारें आती हैं उनमें कैसा म्यूजिक सिस्टम रहता है, नॉर्मली में कैसा रहता है। तो भाई, अभी जो जहाँ से शुरुआत होती है टाटा की इस टाइम पे, तो इस टाइम पे भाई टाटा की टियागो है ये पेट्रोल वर्जन। तो इसका एक्सटी रिदम पैक वाला मॉडल आता है इसमें कि म्यूजिक सिस्टम आना शुरू हो जाता है। रिदम पैक वाला अगर हम नहीं लेते तो उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। तो भाई, उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ कार का लुक है। और अगर इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो भाई रिदम पैक में हमें मिलता है इसके टाटा की तरफ से, देखिए भाई, ऐसा कुछ हरमन का म्यूजिक सिस्टम, जो कि लोग कहते हैं ना बाहर वाला म्यूजिक सिस्टम डलवाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये अभी चाबी इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और ऑन करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखो भाई लोग, ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम रहता है। यहाँ से इसको करते हैं अभी तब तक के लिए साइलेंट। तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें सिस्टम में क्या क्या फंक्शन हमें मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो होम स्क्रीन है ना, तो भाई होम पे जब बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मेन होम स्क्रीन रहती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले टाइम वगैरह ये सब आ जाता है। यहाँ पर ये FM रेडियो के ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें कौन सा इसमें चैनल वगैरह सेट है। टाइम आ जाता है यहाँ पर, ये इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसे कस्टमाइज का ऑप्शन आता है ना, तो भाई यहाँ से कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, वहाँ से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर ये आते हैं ब्लूटूथ के सेटअप, कि हमारा जैसे पेयर अदर डिवाइस करना है, हमें कोई दूसरा फ़ोन इसमें कनेक्ट करना है, या जो हमारा नॉर्मली इससे पहले कनेक्ट था मेरे नाम का फ़ोन जो था मेरा फ़ोन, वो उससे कनेक्ट करना है तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे केबल कनेक्ट होती है इसमें USB केबल, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं, इसमें एक ये पेज आता है इसका, इसमें सबसे ऊपर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, और अगर हम USB सॉन्ग बजा रहे हैं तो USB के ऑप्शन आ जाता है। फ़ोन से गाने बजा रहे हैं फ़ोन का ऑप्शन आ जाता है। और हमें हमारा अगर इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है तो हमें ऐसा नहीं डायरेक्ट इसमें ब्लूटूथ बस कनेक्ट किया और बजाना शुरू कर दिया, उसके लिए हमें ब्लूटूथ ऑडियो पर भी क्लिक करना पड़ता है, जो कि अभी कनेक्ट नहीं है इसमें, तो अभी क्लिक नहीं होगा। सेम भाई ऐसे ही आगे का ऑप्शन है इसमें, जैसे कि अगर हमारा फ़ोन इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट है या एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट है, तो उसका तो इंटरफेस ही अलग होता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का। कॉन्टैक्ट में अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो यहाँ से हम सारे कॉन्टैक्ट वगैरह देख सकते हैं। अभी जैसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो इसने डायरेक्ट बोला है कि कोई ना कोई इसमें डिवाइस कनेक्ट कीजिए, तो ऐसा कुछ होता है भाई। और बाकी अगर बात करें तो इसमें आईपॉड पार्क असिस्ट में क्या होता है कि जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें दिखाता है पार्क ब्रेक इंगेज, मतलब कि हैंड ब्रेक होता है, इसको पार्क ब्रेक भी बोलते हैं। तो भाई हैंड ब्रेक लगा हुआ है, अगर इसको रिलीज़ करेंगे तभी भाई ये तभी ये इसका जो कैमरा है ये हट जाएगा यहाँ से, देखिए ऐसे करके। चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी, अब ये आसपास देखने लगा है कि मतलब सेफ्टी के लिए कैसा क्या है, तो भाई इसको हटाते हैं अभी। तो भाई जब इसमें फर्स्ट गियर डालेंगे तभी इसका पार्क ब्रेक डिसंगेज हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आता है ऑप्शन फ़ोन सेटअप का। फ़ोन सेटअप में क्या है कि हम इसमें अपना कोई ब्लूटूथ का ऑप्शन है, जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, फ़ोन सेटअप पर क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है व्हीकल सेटअप। व्हीकल सेटअप में क्या होता है कि जैसे पार्क असिस्ट है, अप्रोच लैंप है, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अप्रोच लैंप में होता है कि जैसे इसकी जो ये लाइट्स वगैरह है ना, ये कितने सेकंड में ऑफ होनी चाहिए, ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ऑडियो सेटअप में क्या होता है, बेस, मिडिल और इसका ट्रैवल वगैरह, ये सब एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो प्रीसेट्स में क्या होता है कि जैसे हमें कैसा सॉन्ग चाहिए, फ्लैट चाहिए, रॉक में चाहिए, पॉप म्यूजिक चाहिए या जैज म्यूजिक चाहिए, क्लासिक म्यूजिक में सुनना है, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी आता है फिर वॉल्यूम सेटअप। वॉल्यूम सेटअप में क्या होता है, फ़ोन की ऑडियो की वॉल्यूम कितनी हमें रखनी है, वो होता है भाई। उसके बाद में स्टार्टअप वॉल्यूम हमें कितनी रखनी है, शुरुआत में जब हम कार स्टार्ट करें तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितनी रहनी चाहिए, इसे प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वॉल्यूम कितनी रहनी चाहिए, वो हम यहाँ से प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है भाई सॉफ्टवेयर डिटेल। सॉफ्टवेयर डिटेल में हमें दिखाता है कि इसमें कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। उसके बाद में आता है फिर ये थीम्स वाला ऑप्शन, इसमें कि हम कोई भी थीम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लू पे अभी क्लिक किया तो ये थीम ब्लू हो गई इस टाइप से। तो भाई ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन आते हैं। उस
उसके बाद में ऑप्शन आता है अबाउट का, जिसमें कि हमें इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में सारा सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि कुछ कारों क्या करते हैं कि वो डुप्लीकेट म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा के दे देते हैं, तो इसमें डायरेक्ट दिया है ओपन सोर्स लाइसेंस डिस्क्लोजर, तो इसको पढ़ के हम देख सकते हैं हमारा मतलब म्यूजिक सिस्टम है वो ओरिजिनल है या नहीं है। इसमें पूरा वेबसाइट वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो भाई अभी बात करते हैं इस कार के जो ऑडियो सिस्टम है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई आपको दिखा दें, इसमें चार स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, दो आगे हैं और दो पीछे हैं, और चार ही इसमें ट्विटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई पहला और दूसरा ट्विटर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ए पिलर पे दिया हुआ होता है, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ ट्विटर की बात करें तो वो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ होता है, उस तरफ भी दिया गया है। तो भाई अभी सबसे पहले बात करते हैं इस बार की वॉल्यूम के बारे में, मतलब कि जैसे NCS प्ले करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको ये कार कैसा क्या सॉन्ग पे परफॉर्म करते हैं और आपको बेस ट्रेबल प्लस माइनस करके दिखाते हैं। चलिए भाई, हमने अपना जो ब्लूटूथ का डिवाइस था वो कनेक्ट कर दिया गया है, अभी हम सॉन्ग प्ले करते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसके ब्लूटूथ ऑडियो पर क्लिक करना पड़ेगा। तो भाई सॉन्ग को करते हैं अभी प्ले यहाँ से। वॉइस फुल है ना। देखिए भाई अभी इसकी वॉइस है 12-13 तक, तो ऐसी कुछ आवाज आती है। ऐसी कुछ आवाज आती है इसमें इतनी सी। देखिए आप लोगों ने ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम मिलता है हमें टाटा की टियागो साथ में। तो भाई अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कार काफ़ी ज़्यादा सही है लेने के हिसाब से, और मतलब बजट प्राइस में है। तो और ऊपर से सबसे मेन चीज़ है कि हारमन का हमें म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मतलब इसके स्पीकर्स वगैरह भी साथ के ही हैं, बिल्कुल भी कोई ऑडियो वगैरह में कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होती है। तो भाई लोग अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं इस कार को तो भाई इसका रिदम पैक लीजिए, इसमें कि अगर म्यूजिक सिस्टम की हम बाहर से डलवाते तो भाई वो फिटिंग भी नहीं आती, कार भी हमारी खुल जाती है, और इतना ज़्यादा मतलब वो प्लस पॉइंट नहीं रहता। भाई नई कार लेके खुलवाने से अच्छा है कि भाई साथ में थोड़ा रुपया और डाल के ले लो। तो इसलिए ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह रहता है इसका। तो भाई बाकी अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक, वीडियोज़ को हमारी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई थैंक यू सो मच।